सब बच्चों को नमस्कार। कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत आज अपन एक नया अध्याय निर्देशन ज्यामिति पढ़ेगी। अभी टेस्ट के लिए जितना पहले करवाया गया वो टेस्ट में पूछा जा चुका है, उसके आगे का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी या निर्देशांक, उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, p x1 y1 और q x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिंदु p xy की मूल बिंदु से दूरी होती है वर्गमूल x की घात 2 प्लस y की घात 2। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस सूत्र के आधार पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है सवाल करेंगे। प्रश्न हमारा 7.1 का पहला सवाल है, बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदु दे रखे 2 3 और 4। अब इस बिंदु को अपन मान लेंगे, माना कि दिए गए बिंदु P 2 3 तथा Q 4 1 है। x1 का मान कितना हो गया 2, y1 का मान कितना हो गया 3 और x2 का मान कितना हो गया 4 और y2 का मान कितना हो गया 1। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह लिखेंगे 4, x1 का मान 2 है 4 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 है, y2 का मान दे रखा 1, y1 का मान 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। या 3 माइनस का है, माइनस 3 में से 1 गए तो कितना बचा माइनस 2, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस 2 का माइनस 2 में गुणा 4, तो करणी में आ गया 4 प्लस 4, 4 और 4 का योग हो गया 8, 8 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 करणी 2। कहने का मतलब ये है कि इस सूत्र को तुमको याद रखना है, x1 x2 y1 y2 के मान दिए गए हैं उसको रख के हल करते आना चाहिए, समझ के फिर कॉपी में उतारना है। ठीक है, इसका एक तीसरा भाग देखिए, जो छोड़ा गया भाग वो होमवर्क है तुम्हारे। तीसरा भाग है a कॉमा b माइनस a माइनस b। तो माना कि दिए गए बिंदु p a b तथा q माइनस से माइनस b है। ठीक है, तो x1 का मान a, y1 का मान b, x2 का मान माइनस a, y2 का मान माइनस b। वही सूत्र जो इसमें अपन ने यूज किया था, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है माइनस a, x1 का मान है माइनस a माइनस a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस a में a जोड़ा तो माइनस 2a का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस b में माइनस b जोड़ा तो माइनस 2b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, माइनस 2a को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा करणी a की घात 2 + b की घात 2, और ये करणी का चिन्ह है, करणी की घात 2 होती है तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो pq बराबर आ जाएगा 2 * a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसको भी समझ के उतारना है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल था, ये हो गया है। अब आगे प्लस नंबर 2, प्लस नंबर 2 में है, प्लस नंबर 2 में है बिंदु 0 0 और 36 15, बिंदु 0 0 और 36 15, बिंदु 0 0 और 36 15, 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों शहर a और b की दूरी, क्या आप दोनों शहरों a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? x1 बराबर 0 हो गया, y1 बराबर 36, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36, y2 बराबर 15, y2 बराबर 15। ठीक है, pq बराबर निकालेंगे अपन,
इसको होता है h2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र एक बार अपन आपने याद कर लिया तो उसको रख के रख करते आना चाहिए. h2 minus x1 का वर्ग कितना हो गया 36 minus 0, 36 minus 0 का वर्ग प्लस 15 minus 0 का वर्ग. ठीक है, ये हो गया 36 minus 0 का वर्ग 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग. 36 का वर्ग कितना होता है 1296, 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225, दोनों का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 1521, और 1521 किसका वर्गमूल होता है 39 का, तो ये आंसर आ गया 39. तो दो शब्दों के बीच की दूरी 39 आ जाएगी, दोनों शब्दों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 39. ठीक है, ये प्रश्न नंबर दो था. अब एक और प्रश्न है, निर्धारित कीजिए. आ गया समझ में, सूत्र में मान रख के इसको हल करते आना चाहिए, फिर कॉपी में उतार देना समझ के इसको. अब प्रश्न नंबर तीन है इस प्रश्नमाला का, 7.1 का तीसरा प्रश्न. इसमें पूछा गया उसने निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1523 1523 और माइनस दो माइनस ग्यारह सरेखी है, सरेखी है, ये बताना है. ठीक है, तो माना कि दिए गए बिंदु हर, माना कि दिए गए बिंदु इसको एबीसी मान लेंगे, दिए गए बिंदु को एबीसी मान लेंगे. माना कि दिए गए बिंदु ए ए पांच, बी दो तीन तथा सी माइनस दो माइनस ग्यारह है, माइनस ग्यारह है. यदि ए बी और सी सरेख है, यदि ए बी और सी सरेख है तो सरेख है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी होगा तथा बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी. दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, पहले ए बी का मान निकालें, ए बी बराबर. ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर. ठीक है, ए बी का मान निकाला एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2 माइनस एक का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का वर्ग. तो ये हो गया a b बराबर 1 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग. ठीक है, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 यानी माइनस 2, माइनस 2 का वर्ग 4, कितना हो गया 4 और 1 5, ये आ गया कर्णी 5. ठीक है, ये आ गया कर्णी 5. अब BC बराबर निकाला, BC बराबर निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा कर्णी माइनस दो माइनस दो का वर्ग प्लस माइनस ग्यारह माइनस तीन का वर्ग. ये हो गया BC बराबर माइनस दो दो माइनस चार माइनस चौदह, माइनस चार का वर्ग माइनस चौदह का वर्ग. चार का वर्ग कितना होता है 16, माइनस का वर्ग 10 होता है, और ये 196, तो कितना गया 212. BC बराबर 212. इसी प्रकार AC बराबर निकालेंगे, इसी प्रकार AC बराबर कर्णी माइनस दो माइनस एक का वर्ग प्लस प्लस माइनस ग्यारह माइनस पांच का वर्ग, माइनस ग्यारह माइनस पांच का वर्ग. ठीक है, एसी बराबर हो गया ए माइनस तीन का वर्ग प्लस माइनस चौदह का वर्ग प्लस माइनस
16 का वर्ग 11 और 5 कितने हो गए 16 16 का वर्ग तो ये हो जाएगा AC बराबर 9 माइनस 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग हो गया 256 ये हो गया 265 ठीक है ये हो गया 265 अब कोई भी मान समान नहीं है AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के BC प्लस AC प्लस BC AC प्लस BC AC प्लस BC बराबर नहीं है AB के तथा BA प्लस AC बराबर नहीं है BC के इसका मतलब क्या हुआ A B और C सरेखीय नहीं है A B B C और A C के मान निकाल दें तीनों मान समान नहीं है तो लिखेंगे अतः A B C सरेखीय नहीं है अतः A B और C सरेखीय नहीं है ये इस प्रकार से तुमको निकालते आना चाहिए इस प्रकार से निकालते आना चाहिए दिए गए तीन बिंदु दे रखे थे इसको A B C मान लिया A B C के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से मान लिया तो AB का मान निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का वर्ग A और B के निर्देशांक देखेंगे दो में से एक गया एक का वर्ग तीन में से पांच गया तीन माइनस पांच का स्क्वायर दो में से एक गया तो एक का वर्ग तीन में से पांच गए तो माइनस दो का वर्ग एक का वर्ग एक माइनस दो का वर्ग चार दोनों का मान आ गया घड़ी पांच ठीक है ऐसे जैसे तीनों के मान निकालेंगे BC का भी निकाल देंगे तो BC का मान आ गया 212 AC का मान निकाला तो 265 ठीक है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है तीनों मान बराबर नहीं है अर्थात दिए गए बिंदु सरेखीय नहीं है धन्यवाद ये फेस कॉपी में होता है इतना कार्य नया चैप्टर है इसको